कैच टू बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको नहीं होने देंगे किसी को भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए। दीपावली के शुभ अवसर पर हंगामा टाइम्स न्यूज की तरफ से आप सभी और हमारे प्यारे दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। इस दीपावली हंगामा टाइम्स न्यूज एक सुझाव और संदेश आपको देना चाहता है कि जिस प्रकार से हम दीपावली के लिए अलग अलग जगह से खरीदारी करते हैं, तो उसी प्रकार से गरीब अपनी परिवार की दिवाली मनाने के लिए छोटी छोटी दुकानें लगाता है, दिए बेचता है, झालर बेचता है, मोमबत्ती बेचता है। तो इस बार का यही संदेश है कि इस बार खरीदारी करें छोटे दुकानदारों से, ऑनलाइन शॉपिंग का विरोध करें और गरीबों के घर की दिवाली मनाएं। इसी प्रकार से सिप्स एजुकेशनल ग्रुप लेकर आया है दीपावली के शुभ अवसर पर आम जनमानस के लिए दीपावली पर ये संदेश। शायद ऐसा अनोखा संदेश आप सभी को देना चाहिए और इस पर विचार भी करना चाहिए। देखिए किस तरह से सिप्स के संस्थापक डॉक्टर आरिफ ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स में। दीपावली के शुभ अवसर पर एक बहुत ही नेक संदेश आपके लिए लाए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सईद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज सिप्स एजुकेशनल ग्रुप के द्वारा, जिनके अभी हम संस्थापक से बात करेंगे और जानेंगे कि अब वो लोगों के लिए जो नेक संदेश है जो आप तक के पहुंचाना चाह रहे हैं वह क्या है। जी नमस्कार, आप लोगों को सईद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज की तरफ से दिवाली बहुत बहुत मुबारक। और सिप्स एजुकेशनल ग्रुप में जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनके अभिभावकों को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी तरफ से ये एक मैसेज रहता है कि दिवाली अच्छे से मनाएं और कोशिश ये करें कि शॉपिंग ऐसी जगह से करें जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको दिवाली मनाना है वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। तो बस एक हमारी रिक्वेस्ट यही है कि दिवाली की शॉपिंग या ख़रीदारी ऐसी जगह से करें जो वाकई में ज़रूरतमंद लोग हैं और वो भी अपना त्यौहार दिवाली दिवाली की तरह मना सकें, खुद को खुश रख के और ख़ुद की ज़रूरतें पूरा करके। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने साथ साथ ये ध्यान रखें कि जिस तरह से त्यौहार हम बना रहे हैं, क्या हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं क्या वो भी उस त्यौहार को उस तरह से बना पा रहे हैं। और अगर नहीं बना पा रहे हैं तो जिस लेवल से हम जो कर सकते हैं, सपोज़ वो जो भी चीज़ करते हैं, सपोज़ हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक झालर ना लगा करके कोई दिया खरीदने मिट्टी का जो हाथ से बनाए जाते हैं, हाँ, और उसको किसी बड़ी दुकान से ना लेकर के किसी छोटी दुकान से, क्योंकि दिया तो दिया ही है, हम चाहे बड़ी दुकान से लें चाहे छोटी दुकान से, लेकिन ज़रूरतमंद ये आप खुद जानते हैं ज़रूरतमंद है कौन और त्यौहार में किसको ज़्यादा ज़रूरत है। बस इससे ज़्यादा हम कुछ और नहीं बोलेंगे, बस एक ही छोटा सा एक मैसेज था। और नमस्कार भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हमारे साथ में, आइए उनके परिचय के साथ में जानते हैं कि वह किस प्रकार से शुभकामना देना चाहते हैं अपने छात्रों एवं उनके अभिभावकों और देशवासियों को, बताइए। मैं डॉक्टर अमरेश मोहन, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सिप्स एजुकेशनल ग्रुप, और मैं देशवासियों को, अपने छात्रों को, अभिभावकों को और लखनऊ के सभी वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आप सभी के लिए ये दिवाली मंगलमय हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। बस आपको अपने आसपास के वातावरण पर थोड़ा ध्यान देना है। दिवाली पर्व खुशियों का पर्व है, इसमें साफ सफाई का ध्यान रखें। और आजकल आने वाले प्रदूषण, जो कि खास करके वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, बहुत सारे मरीजों की संख्या इसमें बढ़ रही है। जैसा कि लखनऊ में भी आजकल आप देख रहे होंगे फॉग आ गया अचानक से। फॉग ये स्मोक है एक प्रकार का, ये लोगों को लग रहा है कि कोहरा पड़ रहा है, कोहरा नहीं है, धुंध नहीं है, ये एक पॉल्यूटेड एक एनवायरमेंटल चेंजेस है जो कि ज़्यादातर जलाने से होता है। जैसे अभी जो किसान, जो आसपास के किसान हमारे यहाँ लखनऊ के आसपास के एरियाज के हैं, वो धान की खेती करने के बाद उसके जलाते हैं उपलों को, उसके जलने की वजह से ये ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है और धुएं की एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है, उसकी वजह से वायु
प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मेरी आप लोग से गुजारिश है कि आप पटाखों का प्रयोग, धुएं के प्रयोग और ध्वनि प्रदूषण से बचाने के लिए बहुत सारे उपाय करिए, साफ सफाई रखिए। और इसी शुभकामना के साथ मेरी बहुत बहुत हार्दिक दिली शुभकामनाएं आपके लिए, धन्यवाद।